दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता है, परिवार के लोग भी, जब शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो। सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो, लेकिन होटल में डॉक्टर इंजीनियर वो भी बाहर के लोग, बाहर के राज्यों को लोग जिनको ना समझी कि बिहार में क्या है, आ रहे हैं तो पकड़ लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार जी आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब, कंटेनर हो चाहे टैंकर हो, तो ये शराब तो कहीं से चलती है? और बकायदे उस पर लिखा रहता है कहाँ का ये बना हुआ है, कहाँ के बिक्री के लिए है, आप वहाँ तो क्यों नहीं जाते हो? यदि वहाँ तुम तो सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में आएगा। जिस दिन माफिया लोगों को पकड़ने लगोगे उस दिन तुम स्वयं पकड़ में आ जाओगे, यही खतरा है, क्योंकि माफियाओं के पोषण आप कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है, ये जो पाठक ये अभी बने हैं इस विभाग के प्रधान सचिव, जब ये लागू हुआ था तो उस समय भी मिस्टर पाठक प्रधान सचिव थे और इन्होंने कड़ाई से लागू किया। और पाठक जी को मैं निजी रूप से जानता हूँ, बिहार के इन्हीं गुने पदाधिकारियों में जो भी टास्क दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। लेकिन उनकी बदली क्यों हुई थी, जब नालंदा जिला के जदयू का पदाधिकारी पकड़ा गया तो वो बदल दिए गए। केवल एक बात का जवाब दे दो, जब पाठक पूरी ताकत के साथ शराबबंदी को लागू कर रहे थे तो उनके सामने न जदयू था, न भाजपा था, न राजद था, केवल शराब के विक्रेता था जिनको पकड़ना चाहते थे। और उस पकड़ में यह जदयू का आदमी आया तो आपने उनका स्थानांतरण कर दिया, एक मैसेज चला गया बिहार में, हम केवल सरकार के राजस्व की वसूली बंद किए हैं, अपने कार्यकर्ताओं की राजस्व वसूली नहीं बंद किए हैं। और इसी पर ये लगातार 3-4 सालों से भयानक बिहार में शराब बंदी के नाम पर शराब की अर्थव्यवस्था चालू हुई। नीतीश जी फिर उसी अफसर को आप बुलाए हो, लेकिन उस अफसर को कैसे हटाया जाए, इक्का दुक्का पकड़ रहे हो कहाँ कहाँ, क्यों नहीं हरियाणा से या जहाँ से भी शराब की इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर हैं, जिस बैच की शराब जिस कंपनी से आ रही हो, जो भी उसका खरीदार है, वो तो बकायदे